इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के पंचायत डैकवा में 2 दिवसीय 12वीं वॉलीबॉल ओपन प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता कीर्ति चक्र विजेता 18 डोगरा रेजिमेंट शहीद संजीव सिंह की याद में करवाई गई। शहीद संजीव सिंह कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी याद में लगातार ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई जाती है। प्रतियोगिता में 19 टीमों के लगभग 130 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत डैकवा में 2 दिवसीय 12वीं वॉलीबॉल ओपन प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता कृति चक्र विजेता 18 डोगरा रेजिमेंट शहीद संजीव सिंह की याद में करवाई गई। शहीद संजीव सिंह कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी याद में लगातार ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई जाती है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसकी अध्यक्षता करण सिंह पठानिया उर्फ माल्टू द्वारा की गई। प्रतियोगिता में 19 टीमों के लगभग 130 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अमनगढ़ खालसा कॉलेज अमृतसर, महमूदपुर होशियारपुर, टांडा पंजाब, सतबा सुलियाली हिमाचल, हमीरपुर हिमाचल, लोधबा हिमाचल, गैंगपा हिमाचल, मिर्थल ए व मिर्थल बी, काटगढ़ हिमाचल, बौड़ी खड्ड हिमाचल, होशियारपुर, मनबाल हरियाल के अतिरिक्त अन्य टीमों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रथम आने वाली टीम होशियारपुर को 21,000 रुपए व स्मृति चिन्ह, द्वितीय अमरगढ़ आई टीम को 15,000 रुपए व स्मृति चिन्ह, तृतीय महमूदपुर टीम को 7,000 रुपए व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समाज सेवी राजीव पठानी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम वॉलीबॉल के अलावा अन्य खेलों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यहां पर दूर दूर से आए टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खेलों के माध्यम से समाज के लिए खेलकूद को बढ़ावा देते हुए बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। ये हमारा 2 दिवसीय शहीद संजीव सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट जो करवाया जा रहा है, जिन्होंने लड़ाई में कीर्ति चक्र जीता। इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम वॉलीबॉल को और अन्य स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर 19-20 टीमों ने भाग लिया और दूर दूर से अमृतसर, फगवाड़ा, महमूदगढ़, दूर दूर से टीमें आई हैं और जो अपने खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खेलों के माध्यम से हम समाज के लिए खेलकूद को बढ़ावा देते हुए साथ में बच्चों को नशों से दूर रखने के लिए भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।